हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत की धातुएं और उनके परिवर्तित रूप। आप जनरली जब लकार पढ़ते हैं, विधिलिंग लकार, लट लकार, लोट लकार, जितने भी लकार हैं, पांच लकार आप पढ़ते हैं, उन पांचों लकार में क्या होता है, कुछ धातुएं रहती हैं, लेकिन उस धातुओं का प्रॉपर जो आपको मालूम है वो वाली धातु की जो कोई दूसरी धातु लग रही होती है आपको ऐसा प्रतीत होता है, बट वो उसका परिवर्तित रूप होता है। तो गाइज, इस सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैंने कोशिश की है कि जो जनरली जितनी धातुएं यूज होती हैं वो मैं आपको आज उनके परिवर्तित रूप के साथ यहां पर बता पाऊं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने YouTube पर ज्वाइन बटन लॉन्च किया है, जिसमें YouTube मेंबरशिप प्लान है। इस YouTube मेंबरशिप प्लान को अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको हमारी लाइव क्लासेस, एक्सक्लूसिव वीडियोज, मेंबर ओनली वीडियोज आपको मिलेंगी, जिसमें हम लाइव क्लास लेंगे संस्कृत की, इंग्लिश की, मैथ्स की, चाहे वो कोई सी भी क्लास के बच्चे क्यों ना हो, चाहे 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, ये सब हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो वो सिर्फ आपको जो मेंबरशिप जो व्यक्ति लेगा उसी व्यक्ति के लिए ही वो चीजें अवेलेबल रहेंगी। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करें और हमारा जो मेंबरशिप का प्लान है उसको जरूर ज्वाइन करें। आपको ये बहुत महंगा नहीं है, मात्र 29 रुपए महीने है, 29 रुपीज पर मंथ, 1 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पढ़ाई यहां पर मिलेगी, जिससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो गाइस, इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस को हम आपको इतने सस्ता कि सब लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए हमने उसको बहुत कम प्राइस रखा है कि हर व्यक्ति उसको ले सके। तो गाइस, जरूर उसको लें और ट्राई जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। धातुओं और उनके परिवर्तित रूप। जब हम लट लकार या लंग लकार या लोट लकार पढ़ते हैं, जैसे भू धातु है तो भू का भव हो जाता है। तो ये कैसे होता है, क्या इनके धातुओं, क्या उनके परिवर्तित रूप या मॉडिफिकेशन उसका जो रूप होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गम, गच। गम मतलब होता है जाना, जहां पे हम जाने की बात करें तो गम धातु होती है और उसका परिवर्तित रूप होता है गच। जैसे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। हम गमती, गमती, गच, गमसी, गमती, ये सब बोलेंगे तो थोड़ा ऑड भी लगता है और वो चीजें आ आखिरी में आने की वजह से वो नहीं हो पाती, इसलिए हम उसकी जगह गच्छति यूज करते हैं। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छते, गच्छत, गच्छामी, गच्छावे, गच्छामे। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया किसका, जी हाँ, लट लकार का वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस का। तो गम, गच्छ, जाना, मैं आपको यहाँ पे मीनिंग सहित बता रहा हूँ, मीनिंग सहित आप समझें। गम, गच्छ, जाना मतलब गो, गम, गच्छ, जाना। दृश्य, पश्य, पश्य मतलब होता है देखना, तो दृश्य, पश्य, देखना। पापिव, पापिव, पीना, मींस ड्रिंक। गो, दृश्य, पश्य, देखना मतलब सी या वॉच, पापिव, पीना मींस ड्रिंक। स्थातिष्ठ, ये होता है खड़े होना, स्टैंड अप बोलते हैं ना, खड़े होना, स्थातिष्ठ, खड़े होना। दायक्ष, देना मतलब ये आपका गिव, गिव मींस देना। दा यक्ष या दाण भी बोलते हैं, दा दाण और दा यक्ष, देना। भूभव, भव मींस होता है होना, हैपन, अधिकतर आपने भव धातु जरूर पढ़ी होगी, भूभव होना, भूभव होना। ग्राजिग्र, सूंघना, सूंघना, ग्राजिग्र, सूंघना, स्मेल। क्रीड, खेल, खेलना, हिंदी में इसका मतलब होता है खेलना, क्रीड, खेल, खेलना, खेलना मीन्स प्ले। सिंच, सिंच, सींचना, सींचना जो होता है, सींचना मतलब स्प्रिंकल, जो पानी छींचना या कुछ भी करना, तो स्प्रिंकल। चर, चल, चलना, वॉक, चर, चल, चलना। तो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा 10 की 10 जो धातुओं और उनके परिवर्तित रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुच, मुच, छोड़ना, छोड़ना मीन्स होता है लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, मुच, मुच, छोड़ना। स्मर, स्मर, स्मरण करना, स्मरण करना, याद करना, ये आपका हो गया। हृय, हर, हरण करना, किडनैपिंग करते ना, तो हृय, हर, हरण करना, या चुराना भी, इसका कहीं जगह इसका चुराना भी इसका मतलब होता है, जो कि मैंने आपको उस जो आपकी द्विकर्मक धातुएं होती हैं उसमें मैंने समझाया हुआ है कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में इसको हरेकरण आप समझें। कथ, कथे, कहना, कहना जो होता है, स्पीक, टेल, से, से या टेल, कथ, कथे, कहना।
इस इच्छा करना विश इस एक्स इच्छा करना चोरे चोरे चुराना चोरी करना चोर चोर चुराना बुद्ध बोध जानना नो बुद्ध बोध जानना अचरोच अच्छा लगना अचरोच अच्छा लगना नीने ले जाना नीने का मतलब होता ले जाना धरे धर धारण करना पहनना धैर्य धारण करना। तो गाइज आपको ये बाकी भी समझ में आ गई होंगी। अगर देखिएगा जो भी आपको जैसा भी मेरा पढ़ाना लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आपका पढ़ाना हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और मेंबरशिप प्लान जरूर एक बार देखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छी छः इसका मतलब होता है नष्ट होना डिस्ट्रॉय होना नष्ट। डीडे उड़ना फ्लाई डीडे उड़ना। क्रस कर्स हल चलाना मृ मीर नहीं सुझाएगा मरना मृ मीर मलना। छल छाल मीन्स धोखा देना। तुल्य तौल का मतलब होता है तौलना। तुल्य तौल मीन्स तौलना। तो गाइज ये जो धातुएं थी ये धातु और उनके परिवर्तित रूप थे जो कुछ मैंने अभी एक वीडियो में लिया है तो आपको ये बहुत काम आने वाली है। इन धातुओं से बाहर ज़्यादातर नहीं आता है, फिर भी अगर कोई और भी जो चीज़ें होंगी मेरे को अगर पता चलेगा आगे और मैं रिसर्च करूँगा उन पर और भी चीज़ें होंगी मैं ज़रूर उन पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। सो गाइस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से मुझसे संस्कृत सीखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे वाकई में अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सजेशन यहाँ पर देना चाहते हैं। और इसी के साथ अपने दोस्त को पेरेंट्स को और अपने जो टीचर्स हैं उनको मेरे वीडियो को सजेस्ट करिए और उनसे कहिए कि वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को अंत देखने के लिए एक बार और फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।